कांग्रेस ने 72 साल राज किया है। अच्छा, कांग्रेस ने विकास करके दिखाया है? नहीं दिखाया ना। अच्छा, ये कुछ भी कुछ ही क्षण हुए हैं इनको। हाँ, इनको तो कुछ ही क्षण हुए हैं ना। हाँ, तो इसमें इनका बदलाव देख लीजिए और उनका बदलाव देख लीजिए। महंगाई, महंगाई की अगर बात करो तो महंगाई में क्या है, महंगाई जैसा अपन हर चीज़ बढ़ती जा रही है, समय से जनसंख्या भी बढ़ती है, उस हिसाब से अपन भी बढ़ते हैं, हर उस प्रकार से हर चीज़ नमकीन बिस्किट जो भी उनकी यूज में है हर चीज़ बढ़ती है। एमपी में ये है, हमारी साइड तो हमारे दादा को जीतना चाहिए। अच्छा, दादा जी का चल रहा है जी? अच्छा, तो जैसे बढ़िया काम कराते हैं, बढ़िया काम कराते हैं। ये बताइएगा कि जैसे उसको भारी बतों से विजय होना चाहिए मिश्रा जी को। हाँ जी। अच्छा, मिश्रा जी का कारोबार ठीक है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। 70 साल की उम्र में हमने कम से कम 5-6-7 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बदल चुके, लेकर ऐसा न प्रधानमंत्री देखा न ऐसा अभी तक हमने मुख्यमंत्री बहुत सुंदर कार्य। अच्छा, मामा जी का कार्य कैसा लग रहा है? मामा जी अभी विधायक, अति सुंदर। मामा जी अभी मुख्यमंत्री है ना? बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ। लाडली बहना योजना के। नमस्कार दोस्तों, Timeless 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या एमपी के तहत अभी हम लोग दतिया स्टेशन के पास में ही हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे लोगों से, यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, तमाम लोग मौजूद हैं। एक भैया भी खड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम काली कुशवा है। अच्छा, हम लोग चुनावी चर्चा करेंगे जो चुनाव आ रहा है एमपी का जी। और क्या हाल है एमपी में? एमपी में ये है, हमारी साइड तो हमारे दादा को जीतना चाहिए। अच्छा, दादा जी का चल रहा है जी? अच्छा, तो जैसे बढ़िया काम कराते हैं, बढ़िया काम कराते हैं। ये बताइएगा कि जैसे विकास कार्य ठीक हुआ है जी? बहुत पर्याप्त विकास हो चुका है। एमपी में, एमपी में बात किया जाए तो एमपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एमपी में मैं तो बीजेपी की। बीजेपी जी। कुछ लोगों का मानना ये था कि यहाँ पर विधायक जो हैं वो दादाजी बन जाए और मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो जाए। नहीं, मैं तो यही कहूँगा एमपी में और पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होते हैं बीजेपी सरकार में अच्छे हो रहे हैं। एमपी में बीजेपी है जी, पूरे में जी। तो लग रहा है आपको कि मामा जी की सरकार ठीक चल रही है? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चल रही है। वैसे यहाँ पे उनका बात किया जाए, आपने दादा का नाम लिया, तो उनका विकास कार्य तो ठीक है, पर्याप्त? हाँ, पर्याप्त। जनता खुश है? जनता खुश रहे ना रहे, कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो खुश नहीं रहते हैं, बाकी खुश है। बाकी सब जनता, हमारे वार्ड क्रमांक 34 से सभी लोग खुश रहे, सब लोग खुश हैं जी। अच्छा, तो लग रहा है आपको फिर कहीं ना कहीं दादा विधायक बनेंगे यहाँ से? मुझे तो पूरा विश्वास है जी। अच्छा, लग रहा है आपको जी? बीजेपी सरकार आ रही है? हाँ, आ रही है। मामा बनेंगे मुख्यमंत्री? मामा बनेंगे और हम फिर से धूम मचाएंगे। अच्छा, धूम मचाएंगे जी। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण वर्मा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70। बहुत अनुभव होगा फिर तो राजनीति का। हाँ, वैसे हम राजनीति में छोड़ दिए, कम पढ़ते हैं, लेकिन आप बताओ जो। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? वैसे ईमानदारी बात, हाँ, ईमानदारी से बताओ। सच्चाई, हम चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी, कहने का मतलब किसी के नाम, यहाँ पे जो काम का आज तक दतिया जिले के अंदर ऐसा ना कोई नेता आया ना काम किया है, और बाकी अगर यहाँ की जनता उनको वैसा वो देती है तो जो दुर्भाग्य माना जाएगा यहाँ की जनता का। अच्छा, हाँ, ये बात सख्त है। दादाजी का कार्य, दादा का कार्य कैसा है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, हाँ, कार्यक्रम, और बल्कि इसका हम लोगों को जो वो देना चाहिए सलाह, सही रूप से उसको भारी बतों से विजय होना चाहिए मिश्रा जी को। हाँ जी। अच्छा, मिश्रा जी का कारोबार ठीक है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। 70 साल की उम्र में हमने कम से कम 5-6-7 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बदल चुके, लेकर ऐसा न प्रधानमंत्री देखा न ऐसा अभी तक हमने मुख्यमंत्री बहुत सुंदर कार्य। अच्छा, मामा जी का कार्य कैसा लग रहा है? मामा जी अभी विधायक, अति सुंदर। मामा जी अभी मुख्यमंत्री है ना? बहुत बढ़िया है। अच्छा, लाडली बहना योजना के 1000 रुपये आ रहे? हाँ, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा, आंटी जी की उम्र क्या है? हमारे दादी जी की, हाँ, दादी जी की करीब करीब 65 के करीब हो। उनके आ रहे? हम उन सबके आ रहे उनके। अच्छा, उनके कैसे आ रहे? 60 साल तक है कि? नहीं नहीं, बहुओं के आ रहे। अच्छा, बहुओं के आ रहे? हाँ, उनके नहीं, बहुओं के। अच्छा, बहुओं के आ रहे हैं, तो उससे कुछ राहत है? क्यों नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा तो राहत मिलेगी उससे। कुछ लोगों से मैंने बात की तो कुछ लोग यार ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई तो हम और आपकी सोख करने की है,
महंगाई तो है ही नहीं, और आज किसी को भी नहीं है महंगाई। कोई भी हम चाहें कि हम तो हवाई जहाज में जाएंगे तो महंगाई जो और कमाने वाले 100 रुपए। अच्छा, लोग उनको तो महंगाई है। लोग ये कह रहे थे, आम जनता से बात की तो वो लोग कह रहे कि टमाटर 200 रुपए हैं और सिलेंडर 1200 का है। या परमात्मा की गाज बिजली गिर जाती है तो अगर मान के अगर बरसात हो गई, टमाटर पेड़ सड़ गए तो कम से आएगी हो गई, स्वाभाविक है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, आपने टमाटर की बात कर दी, फिर सिलेंडर की बात की जाए। अब सिलेंडर की बात के लिए जब किसी भी चीज़ के लाने अपन यूज करेंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब कम बड़ा रेट ऑटो ऑटो चालक भी ये कह रहे हैं कि ऑटो चालक कह रहे हैं कि यूपी में पेट्रोल सस्ता है, यहाँ महंगा है। अब ये तो उनके यातायात आने जाने से फर्क पड़ता होगा कुछ, तो उसका महंगा सस्ता कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा। वैसे महंगाई ज़्यादा नहीं है, सही रास्ता पर चलने वाले की महंगाई नहीं है, दुरुपयोग करने वाले के लिए महंगाई अवश्य है। अच्छा। सच्चाई हाँ, तो लग रहा है कि दादाजी यहाँ के मंत्री दोबारा बनेंगे, विधायक बनेंगे। वैसे मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए, और आगे जनता का मत है उसको हम क्या कह सकते हैं। वैसे पूरे एमपी की बात की जाए तो टक्कर लग रही है दोनों पार्टियों में, बीजेपी कांग्रेस। हाँ, टक्कर दोनों की है, लेकिन ऐसा है इनके कार्य क्षेत्र देखते हुए तो इनको विजय होना चाहिए, इनका बहुत अच्छा कार्य रहा। अच्छा हाँ, हमने 60 साल हमने भी कांग्रेस। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो मिश्रा जी हैं उनकी वजह से माहौल लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम मैं खुद कांग्रेस ही हूँ ना। अच्छा हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये बात सत्य है। अच्छा हाँ, हम तो ऐसे नहीं, मंच पे भी बोलने वाले हैं छोटी मोटे। अब तो बहुत टाइम हो गया, अब गुजर चुका, राजनीति से खत्म कर दी। अच्छा, राजनीति छोड़ दी है उम्र के साथ साथ। तो लग रहा है आपको कि बीजेपी सरकार आएगी? अब जो उस मालिक को हम जानते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। वैसे है सत्य, हर चीज में देखा जाए हमारे दृष्टि से तो उनके कार्यकाल से इनका कार्यकाल बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विनोद अहरवाल। क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपको? चुनावी माहौल बढ़िया है। किसका? हमारे दादा नरोत्तम मिश्रा जी को ही आना चाहिए, और हमारे हमारी तरफ से और हमारे भाइयों की तरफ से भी उनके लिए हार हार के लिए उनके लिए बिल्कुल हम लोग तो निडर है। अच्छा। उनकी जीत पक्की है, पक्की है, हमारी तरफ से पक्की है। अच्छा, और मामा जी की बात की जाए? मामा जी तो फिर मामा जी हैं, उनका क्या कहना, उनका सही चल रहा है वो बिल्कुल बिंदास। और क्या, मामा जी पूरे स्टी में छाए हुए। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का माहौल नहीं है? कांग्रेस का, कांग्रेस ने क्या किया है बताइए मुझे, क्या किया कांग्रेस ने? अभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने 72 साल राज किया है। अच्छा, कांग्रेस ने विकास करके दिखाया है? नहीं दिखा है ना। अच्छा। ये कुछ भी कुछ ही क्षण हुए हैं इनको। हाँ। इनको तो कुछ ही क्षण हुए हैं ना। हाँ। तो इसमें इनका बदलाव देख लीजिए और उनका बदलाव देख लीजिए। महंगाई, महंगाई की अगर बात करो तो महंगाई में क्या है, महंगाई जैसा अपन हर चीज़ बढ़ती जा रही है, समय से जनसंख्या भी बढ़ती है, उस हिसाब से अपन भी बढ़ते हैं, हर उस प्रकार से हर चीज़ नमकीन बिस्किट जो भी उनकी यूज में है हर चीज़ बढ़ती है। इसमें उसका कोई वो नहीं है, मजदूर के लिए मजदूरी उतनी है जितना वो कर सकता है, लिमिटेड काम है वो भी उनके लिए। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है? पढ़े लिखों के लिए तो भाई एजुकेटेड। कितनी कितनी सीटें, कितनी सीटें जीत सकती है बीजेपी एमपी में? बीजेपी तो हमारी तरफ से तो भारी बहुतों से, भारी बहुमत से। हाँ, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीत रही है बीजेपी। जीतेगी बीजेपी सरकार, नरोत्तम दादा जिंदाबाद। अच्छा, तो उन्हीं की साइड बोलेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, उनका कारोबार यहाँ ठीक चल रहा है? बिल्कुल एक नंबर। अच्छा, हमने सोचा नाम जानते नहीं। अच्छा, इधर हो जाए, चाय बना रहे हैं? क्या रेट चला रहे चाय? 5 का 1, 10 का 1। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे आप? ऐसे बन जाए, ऐसे हो जाए। एक एक सेकंड, किसकी बनवा रहे हैं? जॉन की बन जाए, जॉन की। अच्छा, ऐसे हो जाए। चलो दोबारा पूछो, किसकी सरकार बना रहे? जॉन की बन जाए, जिसकी बन जाए। चाय बना रहे आप तो, मोदी जी भी चाय बना रहे, प्रधानमंत्री बन गए। पता, चाय वालों का बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, होता ही बन जाता है। बताओ, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री है। और जो बन जाए, जो हम लोग कर्मचारी हैं, काम करते हैं। किसको, किसका माहौल लग रहा है, हवा किसकी चल रही है, ये बताओ। जो जिंदगी बन जाए यार। यहाँ पे लोग भी दादा की चर्चा कर रहे थे, मिश्रा जी की, नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ, तो इन्हें तो बीजेपी सरकार, बीजेपी लग रही है, चलेगी, आएगी बीजेपी। हमारा तो नाम भाई साहब और कहीं पूछो, हमको क्या मतलब ही नहीं है या चीज़। अच्छा, नाम तो बता दो। नाम हमारा देवेंद्र। क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ठीक ठाक बिक्री हो रही है? बढ़िया हो रही है। अच्छा, लोग सही मिल रहे हैं? सही मिल रहे हैं, पैसेंजर वगैरह। हाँ, सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अच्छा, कितना, कहाँ कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाते हैं? लोकल में चलाते हैं, लोकल। हाँ, कितना किराया लेते हैं मैक्सिमम? 15 रुपये भी देता है, 20 रुपये
वो 10 भी दे जाता है। हाँ स्टेशन से और इधर कहीं मार्केट के लिए चलाते हैं। हाँ लोकल बोलिए आप। अच्छा दादा का माहौल कैसा लग रहा है? दादा को दादा से मतलब हमें बढ़िया चल रहा हूँ दादा को। हाँ मिश्रा जी नरोत्तम मिश्रा। मिश्रा जी नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ जनता खुश है उनसे? अब जनता खुश है। आप लोगों ने कितने लोगों से पूछा? आप लोगों ने हमने तो बहुत लोगों से पूछा। तो आपको कैसा लगा? सभी लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि अच्छा कार रहा है, बारह अच्छा चल रहा है। हाँ तो हमको भी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा महंगाई है? महंगाई है। अच्छा अच्छा आप लोग ये कर रहे हैं कि ऑटो चलाते हैं तो डीजल वगैरह लगाते हैं? हाँ डीजल लगाते हैं। क्या रेट है डीजल यहाँ? डीजल की आपको 94 रुपए कुछ पैसा है। 94-95 के बीच में? हाँ 95 के बीच में। ठीक ठाक डलवा लेते हैं? डलवा लेते हैं। किराया बारह ना चलता है? नहीं निकलता है, कभी निकल जाता है वो तो चलने का, कभी निकल जाता है। तो यहाँ दादाजी का माहौल लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। एमपी में बात की जाए, एमपी में किसका लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो भाई ऐसा है, मैं राजनीति की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तो अपने काम से ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, चलिए मैं आपके ही सवाल पूछ ले रहा हूँ, आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 3 हैं। अच्छा किस में पढ़ाई कर रहे हो? हमारे अपने सरकारी स्कूल प्राइवेट? अब तो बड़े हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा छोड़ दिए। वैसे पढ़ाई किस में आपने करवाई, सरकारी प्राइवेट? सरकारी में। पढ़ाई ठीक हुई? ठीक हुई। ठीक हुई। हाँ जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया उन्होंने, अब काम धंधे करने लगे। चलिए बोलिए। चलिए खेती वगैरह? नहीं नहीं है, केवल ऑटो से गुजारा होता है। ऑटो से गुजारा होता है। चलिए धन्यवाद। ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ का चुनावी माहौल देखा और आप लोगों ने जाना है कि यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यों से खुश है और कहीं ना कहीं जनता का मानना यही है कि वो नरोत्तम मिश्रा को दोबारा से विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग बीजेपी की सरकार यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ठीक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जनता का मानना है। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है एमपी में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।